नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्व मित्रा। बीजेपी के इन दिनों बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। कहने को तो बीजेपी सत्ता में आ गई है। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार यानी मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि कल जैसे उनको माफी मांगनी पड़ी, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में माफी मांगी आप लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद अब एक दूसरी खबर सामने आ गई कि भाजपा ने किस तरह चुनाव में धांधली की, और इस धांधली की पोल किसी और ने नहीं बल्कि खुद भाजपा नेताओं ने खोली है। खुद भाजपा नेता ही बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं कि हमने किस तरह 15-15 वोट डाले, किस तरह कांग्रेस के लोगों को बूथ में आने से रोका। तमाम बातें भाजपा के लोग बोल रहे हैं, बल्कि यहां तक भी बोल रहे हैं कि अगर जेल जाना होता तो हम जाते। यानी वो ये मान रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले ही बहुत सारे आरोप लग रहे थे, कई तरह की आशंकाएं चल रही थी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया था कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ी हो सकती है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबी सुनवाई की। हालांकि बीजेपी को तब राहत मिल गई क्योंकि ईवीएम पर रोक नहीं लगी, न ही किसी तरह के ये जो बैलेट पेपर से चुनाव हुए बल्कि ईवीएम से ही चुनाव हुए। लेकिन जिस फर्जीवाड़े की आशंका विपक्ष लगातार जाहिर कर रहा था, उसके अब सबूत सामने आए हैं, और ये सबूत और किसी ने नहीं, खुद भाजपा के लोगों ने दिए हैं। आपको पहले एक ये वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद पूरा खुलासा करते हैं कि आखिर किस तरह की गड़बड़ी की बीजेपी ने और किस तरह उसने लोकसभा में अपनी सीटें बढ़ाई हैं। क्या है ये वीडियो, देख लीजिए एक बार। दीदी के चुनाव में लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए, हम लड़े हैं उसके लिए। ये कोई नहीं लड़े, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे, आज ये गलत परिपाटी चल रही है। धोखी तरीके से मतदान, हमने कहा था जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस के आधार हमें बड़े ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, गहमा गहमी है, लोग बड़बड़ कर बता रहे हैं कि 15-15 वोट तो हमने डाले। और एक ये जो सज्जन है, जो अभी जिनका चेहरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए थोड़ा सा चेहरा दिख रहा है, और जो अभी हाथ हिला हिला कर बता रहे हैं वो है संजय अत्तू भंडारी, जो कि लटेरी नगर परिषद के जो अध्यक्ष उसके पति हैं। और ये जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के लोगों को बूथ पे जाने से रोका। और ये सारी जो बदकही हो रही है, ये सारी जो अपने बढ़ चढ़ कर बयानबाजी की जा रही है, ये है सांसद लता वानखेड़े के सामने, जो सागर मध्य प्रदेश का संसदीय क्षेत्र है सागर, वहां से ये सांसद चुनी गई हैं लता वानखेड़े, और उनके सामने ये लोग बता रहे हैं कि आपको चुनाव जिताने में हमने कितनी मदद की। दरअसल वाकया ये है कि लता वानखेड़े गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची थी। वहां पर एक सिरोंज विधानसभा क्षेत्र है, वहां का लटेरी कस्बा है, वहां पर एक कार्यक्रम में पहुंची थी। लेकिन उनके आने की सूचना बीजेपी के दूसरे नेताओं को सोशल मीडिया के जरिए लगी, और इस पर नेता नाराज हो गए। भाजपा के वहां के जो मंडल महामंत्री हैं राम गुलाम राजौरिया, इनको बड़ा बुरा लगा कि दीदी आपके आने की खबर हमको सोशल मीडिया से लगी, और ये लोग अपने दलबल के साथ पहुंच गए लता वानखेड़े के सामने। भाजपा के दो गुट वहां पर बने हुए थे, और दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ बिल्कुल तेज तीखी बहस होने लगी। और उसी में जब बहस होने लगी, तब अपनी अपनी वफादारी साबित करने के चक्कर में बीजेपी नेताओं ने ये तक बता दिया कि हमने आपको जिताने के लिए कितनी मेहनत की। उसमें एक जो सज्जन है, उन्होंने ये दावा कर दिया कि 15-15 वोट तो मैंने डाले थे। उनकी आवाज आ रही है, कौन है ये, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ। लेकिन ये वीडियो साहब जैसे ही वायरल हुआ है, तब से मध्य प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा है, और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अब इस मामले की गूंज पूरे देश में फैलेगी ये तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब इसको लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस अब सागर संसदीय क्षेत्र का जो चुनाव है उसको रद्द करवाने की तैयारी में है, निर्वाचन आयोग के पास शिकायत करने जा रही है, और कांग्रेस का ये कहना है कि अगर वहां पर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो फिर वो कोर्ट का रास्ता भी पकड़ेगी। यानी कांग्रेस अब इस मामले पर चुप नहीं बैठेगी। दिख रहा है कि लोकसभा में किस तरह से बीजेपी ने धांधली की है। आप जानते हैं कि बीजेपी ने या मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, और अकेले बीजेपी के लिए 370 का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी को इतनी सीटें नहीं आई, उसकी सीटें कम हो गई। ले देकर बीजेपी किसी तरह अपने साथियों के साथ यानी एनडीए के लोगों के साथ सरकार बना ली है उसने, लेकिन
अब जो ये चीजें सामने आ रही है उसमें पता चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे 29 की 29 लोकसभा सीटें मिल गई बीजेपी को, और ये पहली बार है कि कांग्रेस का वहां से कोई भी सांसद नहीं है। तो किस इतनी बुरी हार के लिए क्या कांग्रेस अकेले जिम्मेदार है, या इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की धांधली जिम्मेदार है, या इसमें चुनाव आयोग की अनदेखी जिम्मेदार है? बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत इस कार्यक्रम में। ये जो वीडियो अमलेंदु जी वायरल हो रहा है, बहुत देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, और इसमें जिस तरीके से साफ साफ बता रहे हैं, मतलब वहां पर जो ये संजय दत्त भंडारी हैं, इनकी तो मंशा ये रही होगी कि लता वानखेड़े के सामने वो अपनी काबिलियत जाहिर कर सके, लेकिन अपनी काबिलियत बताते बताते क्या बीजेपी की फोर फोल्ड गए हैं? ये इंसिडेंट है जिसमें यह साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जो उसको मिली हैं उसमें जो 29 सीटों का जो मध्य प्रदेश से योगदान है वो किस तरीके से योगदान उसका रहा है। तो अगर जो सज्जन बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं ये, और जो बता रहे हैं कि 15-15 वोट उन्होंने डाले और कांग्रेस के एजेंट को बूथ पर नहीं पहुँचने दिया, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में हुआ होगा। और ये अगर ये बता रहे हैं तो ये साफ समझा सकता है कि अगर से मध्य प्रदेश की सीटें ही 240 में से कम कर दी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ टिकती है। ये एक तरीके से शर्मिता जी जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी थी लोकल स्तर पे, उसमें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए ये बातें सामने निकल कर आ गईं, और वो किसी के ने रिकॉर्ड कर लिया, वो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो गया। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि जांच का विषय है कि ये क्या है, लेकिन जो वायरल हो रहा है अभी तक इस पर खंडन किसी की तरफ से नहीं आया है, तो इसको सच माना ही जा रहा है। और कोई खंडन आएगा तो फिर फॉरेंसिक जांच को जाएगा कि ये सही बात हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन वो साफ तौर पर दिख रहा है सुमित्रा जी कि ये सांसद महोदया के सामने बताया जा रहा है कि किस पक्ष ने कितना काम किया, और ये बताते बताते एक पक्ष जो बताता है कि उसने एक व्यक्ति ने 15-15 वोट डाले। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की धांधली के लेकर के जो आरोप लगने लगातार ये कहा जा रहा है, अभी रिपोर्ट आई थी कि 79 सीटें जो हैं 79 सीट्स उन पर ज़बरदस्त तरीके से धांधली हुई है, और जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं उनके पति जो हैं पराकला प्रभाकर, उनका साफ साफ आरोप था एक साक्षात्कार में कि भारतीय जनता पार्टी ने 79 सीटों पर गड़बड़ी करके धांधली करके भारतीय जनता पार्टी 240 तक पहुँची है, यानी कि असली सीटें भारतीय जनता पार्टी की 140 के आसपास ही है। और सुमित्रा जी आपको याद होगा कि पूरे चुनाव न्यूज़ पॉइंट में या खरी खरी में हम लोग जब चर्चा करते थे तो मैं इस बात को बार बार कहता था कि जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 140 से 143 के बीच में सीटें आ रही हैं। अब ये लग रहा है सुमित्रा जी कि हम लोग जो उस समय असेसमेंट कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके की अब बातें कर रहे हैं और खुद पोल खोल रहे हैं बीजेपी की कि किस तरीके से धांधली करके सीटें जीती गई हैं, वो अब ये स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है। और चुनाव आयोग ने किस तरीके से मदद की है, ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है लगातार चुनाव आयोग के ऊपर, वो भी अब चुनाव आयोग भी संदेह के घेरे में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग पर तो उंगलियां उठी रही हैं, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तभी इस बात की बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही थी, और अभी ये जो मामला ये जो वीडियो सामने आया है इस पर आप कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं भूपेंद्र गुप्ता, उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले से कांग्रेस फर्जीवाड़े की ओर चुनाव आयोग का ध्यान खींच रही थी, सप्रमाण शिकायतें कर रही थी, लेकिन आयोग टस से मस नहीं हुआ, फर्जीवाड़ा होने दिया, अब गड़बड़ियों की पोल भाजपा ही खोल रहे हैं, आयोग को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। ये अब भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है, और उन्होंने ये भी बोला है कि हम सागर लोकसभा का निर्वाचन शून्य घोषित करने और निष्पक्ष तरीके से सागर में पुनः चुनाव करने की मांग जो है वो आयोग से कर रहे हैं। और इधर अमलेंदु जी, एक जब दिग्विजय सिंह के जो उसमें उन्होंने भी एक मामले को तीसरे दौर का मतदान था शायद तब मई की बात है, उन्होंने कहा था कि राजगढ़ के एक पोलिंग बूथ पर 11 वोट डाले गए लेकिन मशीन बता रही है कि 50 वोट पड़ गए, ये उन्होंने तब दिग्विजय सिंह ने इस बात को उठाई थी, और उन्होंने ये तब भी कहा था कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई, फर्जीवाड़े का उन्होंने आरोप लगाया था। और एक मामला याद कीजिए अमलेंदु जी, एटा का जो था अलीगंज विधानसभा के जो वहां का था जहां पर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था कि अब इस पर दोबारा वोटिंग होगी, क्योंकि यहां पर एक 17 साल का लड़का था
जिसने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में 7 से 8 बार मतदान किया था और उसको लेकर उसका बाकायदा उसका वीडियो भी आ गया था। यानी इतनी इसको दुस्साहस बोले, दिलेरी बोले, जो बोले कि बीजेपी को ये लगता था कि उसके साथ यानी जो या उसके पक्ष में जो लोग मतदान इस तरह से कर रहे हैं उनको ये लगता था कि हम कुछ भी कर लेंगे, उसका वीडियो बना के भी डाल देंगे और हमारा कुछ बाल बाका नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही, मतलब अभी हमको नहीं मालूम कि उसके खिलाफ क्या फैसला लिया गया, केवल चुनाव आयोग ने वहां पर उस बूथ पर दोबारा वोटिंग करा दी। लेकिन ये जो मामला हुआ है, और एक और जो ये जो फरुखाबाद का भी जो मामला था जिसमें बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जो जीते थे और मतलब जिन्होंने सपा के प्रत्याशी को हराया, अभी परसों की खबर है क्योंकि सपा प्रत्याशी ने उनके खिलाफ कि इनका जो मतदान है ये गलत तरीके से हुआ है, यानी मैं नहीं हारता लेकिन जिस तरीके से सारी चीजें हुई, और उस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहां के जो न्यायमूर्ति है राजीव मिश्रा, उन्होंने डॉक्टर नंद किशोर शाह के जो सपा के प्रत्याशी थे और याचिकाकर्ता थे, उन्होंने अब 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई का ये कहा है। और उन्होंने कहा है कि हाँ मतलब हम इस मामले की सुनवाई करेंगे, क्योंकि नंद किशोर शाक्य ने ये कहा था कि भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत 2676 वोटों से जीते हैं मात्र, जबकि एक और प्रत्याशी थे अमर सिंह जिनका नामांकन दोषपूर्ण था लेकिन फिर भी उनको स्वीकार किया गया और उनको मिले 3500 वोट, और इस तरह हार हो गई सपा प्रत्याशी की। और इस पर इन्होंने ये कहा कि पीडीए के मतदाताओं पर लाठी चार्ज करके उनको भगा दिया गया, उनको वोट डालने से रोका गया और ये सारी बातें की। और अखिलेश यादव ने ये जो लड़के, ये जो पूरी घटना का जिक्र मैं कर रही हूँ उस पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था और उसको रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। ये देखिए राहुल गांधी ट्वीट लिखते हैं, 19 मई का ये ट्वीट है कि अपनी हार सामने देख भाजपा जनादेश को झुटलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनाव ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी न भूलें, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्यवाही होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये राहुल गांधी का ट्वीट है 19 मई का। जाहिर है उसके बाद सरकार तो नहीं बनी इंडिया गठबंधन की और संविधान की शपथ, लेकिन यहाँ जिस तरीके से राहुल गांधी ने इन्वर्टेड कॉमास में लिख कर ये बताया था ट्वीट की कोई भी उसके अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। अमरेंदु जी, क्या अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो भाजपा के नेता ही अपनी पोल खोल रहे हैं, अभी अगर इलाहाबाद कोर्ट से भी अगर ये फैसला नहीं आ रहा अभी, लेकिन 21 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी और जहां पर ये कहा, मतलब अगर सुनवाई में ये सामने आता है कि मुकेश राजपूत को गलत तरीके से जीत मिली, या ये जो लता वानखेड़े का मामला हम देख रहे हैं, ये सारी गड़बड़ियां धीरे धीरे जो सामने आती जा रही हैं। आपको याद होगा अमरेंदु जी, इसी मध्य प्रदेश में खजुराहो में किस तरह सपा प्रत्याशी का हो गया, चुनाव के मतलब मतदान के, मतदान नहीं जो नामांकन के ठीक पहले इंदौर में क्या हुआ, अक्षय कांति बम को किस तरीके से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, सूरत तो सबसे पहले ये घटना हुई थी, ये तमाम घटनाएं लोकसभा चुनाव के समय हो रही थी और चुनाव आयोग जो है ये सब होने दे रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। अभी भी चुनाव आयोग जो है उनको कोई अगर शिकायत करें तो पता चलेगा बदले में 2-4 शायरियां सुनने मिल जाएंगी। क्या कहेंगे अमरेंदु जी, ये लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या होते हुए देख रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल समिता जी, हम लोग लोकतंत्र की हत्या के चश्मदीद गवाह कहे जा सकते हैं कि जो हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो हैं वो कौन कौन लोग हैं ये सबके सामने हैं जिस तरीके से सब चीज़ें आ रही हैं। चुनाव आयोग को लेकर के तो समिता जी और भी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं। करनाल से जो जीत के आए हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके सामने जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे उन्होंने ईवीएम की, ईवीएम मशीनों की जाँच कराने के लिए दरख्वास्त दी, और उनका आरोप ये है कि ईवीएम की मशीनों की जाँच नहीं की गई, उनको भगा दिया गया। और ईवीएम मशीनों पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 5% ईवीएम मशीनें जो हैं वो एक उसकी जांच की रकम जमा करके दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा हुआ प्रत्याशी उसकी जांच करा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में कोई रकम तय नहीं की थी कि क्या रकम उसकी की जानी है, आपको जांच करानी है। चुनाव आयोग ने बाद में उसकी 42,000 रुपये के आसपास एक मशीन की जो थी वो रकम तय कर दी। अब अगर समिता जी 5% की कराई जाती है, अगर रिकाउंटिंग या उसकी जांच कराई जाती है, तो ये जाकर लगभग 10 करोड़ के आसपास जाके खर्चा बैठता है जो एक पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर 5% की कराई जाती है।
फिर उस पर सवाल ये उठता कि अगर कोई करा लेगा तो ये फिर चुनाव के खर्चे में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, चूंकि वो तो चुनाव के खर्च में जुड़ेगा फिर। तो यानी चुनाव आयोग ने ये रास्ता भी निकाल लिया कि आप इसकी जांच करवा ही ना पाएं, और कुछ मशीनों की भी अगर आप जांच करवाएंगे तो आपको पैसा जमा करना पड़ जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग उसकी जांच नहीं करेगा, जो कि करनाल के कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे उनका आरोप है। उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया था, हम लोगों ने उस पर खबर भी बनाई है, हमारे दर्शक उसको जाकर देख सकते हैं। तो समिता जी, ये जिस तरीके की चीज़ें, इस तरीके से आपने मुकेश राजपूत का हवाला दिया फर्रुखाबाद का, और वो जो एटा का जो घटना थी समिता जी, वो भी मुकेश राजपूत की ही कॉन्स्टिटेंसी लगती है, वो भले ही अलीगंज में एटा ज़िले में, लेकिन वो कॉन्स्टिटेंसी मुकेश राजपूत की ही है, जहाँ 8 वोट एक लड़के ने डाले थे, वो बाकायदा उसने वीडियो बनाया हर वोट डालने का, अलग अलग शर्ट पहन करके वो आ रहा है, फिर बता रहा है ये पहला वोट, दूसरा वोट, तीसरा वोट, चौथा वोट, और फिर उस बूथ का जो था वो निरस्त किया गया मतदान, फिर अगले दिन उसको कराया गया, फिर पोलिंग कराई गई। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आ रही हैं उससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि गड़बड़ियां तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हुई हैं, और किस स्तर पे हुई हैं ये धीरे धीरे पोल खुल रही है। सरमित्रा जी, तो कांग्रेस ने का जो आरोप है, वहां की मध्य प्रदेश कांग्रेस जो कह रही है कि हम इसको लेकर जाएंगे, राहुल गांधी ने 19 मई को किया, उन्होंने अखिलेश यादव ने 19 मई को किया, ये सब चीज़ें सामने आ रही। अच्छा, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन भी समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट कर रही थी कि कहाँ की लाइट बंद कर दी गई है, कहाँ की काउंटिंग रोक दी गई है, कहाँ लाठीचार्ज किया जा रहा है और रात में गड़बड़ की जाएगी, इस तरह की चीज़ें आईं, और बाद में मालूम पड़ा कि 10 सीटें जो समाजवादी पार्टी जीत रही थी वो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई जी। तो यानी उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें और कम हो जाती, जैसा कि समाजवादी पार्टी का आरोप है, अगर निष्पक्ष मतगणना हो गई होती। तो ये बहुत सारी जगहों पर सब कुछ हुआ है, इस तरह की चीज़ सामने आ रही है, धीरे धीरे ये चीज़ें खुल के आएंगी और आती जा रही हैं, लेकिन अब इस पर क्या कार्रवाई होगी और इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, इस पर लंबी एक बहस हो सकती है कि क्या असर पड़ सकता है, कहाँ जाएगा या मसला, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा, कब इस पर सुनवाई होगी, कब नहीं होगी, एक एक कॉन्स्टिटेंसी का अलग अलग जाएगा, बहुत सारे असल में इसके टेक्निकल पहलू हैं, और शायद इन टेक्निकल पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही सारे इंतज़ाम जो थे वो सत्तारूढ़ दल की तरफ से पहले कर लिए गए होंगे, तभी इतनी दिक्कतें विपक्ष को सामने देखने को मिली। सरमिता जी, जी बिल्कुल, विपक्ष अब क्योंकि अफसोस इसी बात का है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद और लगातार सही मुद्दों को उठाने के बाद भी इंडिया गठबंधन को विपक्ष में बैठना पड़ा, और अब जिसके पास सत्ता, यानी इस समय शायद भारत का हाल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हो गया है, और जिसकी जो मर्जी आ रही है, यानी जिसके पास सत्ता है वो अपनी मनमर्जी की सरकार चला रहा है, ये बात जो है वो बार बार अब दिख रही है। यहाँ जो अब जिस वायरल वीडियो जो अभी हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर अमलेंदु जी, और यहाँ पर जो बातें चल रही हैं, इसमें एक ही जो बात थी जो संजय अत्तु भंडारी जिन्होंने ये कहा था कि जो लोग आज बात कर रहे हैं वो लोग लोकसभा चुनाव में कहाँ थे, और हमने 13 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस का कोई भी पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिया, हम लड़े हैं आपके लिए। और इसी में एक युवक जो ये भी बोल रहा है कि मैंने 15 वोट डाले थे, फर्जी तरीके से मतदान हमने किया था, जेल जाते तो हम जाते, ये वो बोल रहा है। मतलब वो ये जानते हैं कि हमने फर्जी तरीके से मतदान किया था, लेकिन इस उसके जो वाक्य का दूसरा हिस्सा है अमलिंदु जी, मैं उस पर आपसे जवाब चाहती हूँ। वो जो ये बोल रहा है कि जेल जाते तो हम जाते, क्या इन लोगों को इतना यकीन पहले ही था कि हम कभी जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर किस तरह से सारी चीजें चल रही हैं। जो कांग्रेस, ऐसा तो नहीं है कि अभी ये वीडियो सामने आया और अब जो धांधली का पता चला, जिस बात की आशंका शुरू से जतलाई जा रही थी उसके बाद ये खुलेआम ये धांधली होने दी गई, और इन नेताओं की ये हिम्मत है, दुस्साहस है कि वो बोल रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया। क्या इसके बाद मोदी जो है ये लोकतंत्र की इस तरह से हत्या के लिए या अपने कार्यकर्ताओं की इस तरह की करतूत के लिए, हम मान लीजिए हम मोदी पर अभी आरोप नहीं लगाते और हम ये मानते हैं कि चलिए आपने बड़े पाक साफ तरीके से अपना वाराणसी का चुनाव जीत लिया होगा, वहां चुनाव आयोग या आपके मतदाता मतलब जो कार्यकर्ता उन लोगों ने कोई गड़बड़ी नहीं की होगी, भले आप 1.5 लाख वोटों से ही जीते लेकिन आपने जीत लिया चलो, लेकिन ये जो आपके बाकी के कार्यकर्ता हैं जिनको आप भोपाल जाकर या मध्य प्रदेश जाकर आपने बार बार ये सिखाया भी था कि भाई किस तरह से आपको चुनाव जीतना है, मेरा वो मेरा बूथ मेरा कार्यकर्ता, इस तरह के वो तमाम कार्यक्रम करते रहिए बीजेपी, क्या मोदी इस चीज के लिए माफी मांगेंगे, क्या बीजेपी के बाकी नेता इस चीज को स्वीकार करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो क्या जनता अब बीजेपी को माफ करेगी, क्योंकि ये तो सीधे सीधे उसके अधिकार पर डकैती जैसी बात हो गई है।
देखिए समझता जी, जनता तो निश्चित तौर पे समझ रही है कि उसके अधिकारों पे डकैती तो पड़ी है, और एक तरीके से जनता लगातार 10 वर्षों से ये देखती रहती है समझता जी कि वो वोट किसी को देकर आती है, उसका आदेश किसी के पक्ष में होता है, सरकार वहाँ कोई और बना लेता है। ये तो पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, और अभी भी जो जिस तरीके से झारखंड में खेल करने की कोशिश की जा रही हैं, जिस तरीके से बिहार में चीज़ें शुरू हो गई हैं, जिस तरीके से बंगाल में चीज़ें की जा रही हैं, उसमें भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जनता की समझ में आ रहा है कि अब इस लोकतंत्र में क्या जनता के वोट की कोई कीमत भी नहीं रह गई, अब जनता वोट किसी को देकर आएगी, सरकार किसी और की बननी है। तो ये सवाल तो उठना शुरू हो गए। मोदी जी माफ़ी मांगे या ना मांगे समझता जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी अगर मान लीजिए माफ़ी मांग भी लेते हैं, साहब उनके कार्यकर्ता ने 15 वोट डाल लिए थे तो उसके लिए माफ़ी मांगे, तो उससे जनता का अधिकार तो वापस नहीं मिल जाएगा ना मोदी जी माफ़ी मांगने से। ठीक उसी तरीके से मोदी जी ने कल जिस तरीके से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर डंडा ठोक के माफ़ी मांग ली, तो मोदी जी को डंडा ठोक के माफ़ी मांगने से ना तो शिवाजी की प्रतिमा का जो अपमान हुआ वो सम्मान वापस मिल गया, ना शिवाजी की प्रतिमा खड़ी हो गई। जाहिर सी बात है कि मोदी जी के माफ़ी मांगने का भी कोई असर नहीं हुआ, और सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि मोदी जी ने ये माफ़ी मांगी थी कि डंडा ठोका था, ये सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर भी अगर मोदी जी माफ़ी मांग भी लेंगे तब भी जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो चुका वो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन क्या आगे के लिए इस खिलवाड़ को रोका जा सकता है, क्या इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि अब आगे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं हो? फिलहाल सुमित्रा जी अभी वो परिस्थितियां नज़र नहीं आती, वो देखने में नहीं आता कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ अभी रोका जा सकता है। क्योंकि जिस समय विधानसभा के चुनाव की घोषणा की जा रही थी राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा, और उन्होंने जो तर्क दिए कि महाराष्ट्र का चुनाव अभी क्यों नहीं करा रहे हैं और सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव क्यों करा रहे हैं, झारखंड का चुनाव बाद में क्यों करा रहे हैं, इस पर जो उनके तर्क थे वो तर्क साफ तौर पर ये बता रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। चूँकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी समझौता नहीं हो पाया है महायुति के अंदर, और उनके टूट फूट की खबरें आ रही हैं, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो शिवसेना का जो मंत्री है वो कह रहा है कि NCP बगल में बैठती है तो उसको उल्टी आती है, और NCP कह रही है कि इसे मंत्रिमंडल से हटाओ वरना हम अलग हो जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें चल रही है वहाँ, तो इससे साफ समझा सकता है कि वहाँ अभी इनके बीच में ठीक ठाक नहीं है। तो आप सवाल यह है कि आप न्याय की आशा करें किससे? तो ये जो तुम ही मुंसिफ और तुम ही मुजरिम वाला जो शेर है वो यहीं आकर के चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ता है कि आप न्याय मांगने जाएंगे किससे? अगर आप चुनाव आयोग से अगर आप ये उम्मीद करें कि चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या उसने लिया होता तो राजीव कुमार जी को शायरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यानी जो काम चुनाव आयोग का है आप वो काम ना करके आप शायरी कर रहे हैं, वो बहुत घटिया दर्जे की शायरी कर रहे हैं, और आके आप देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, बता रहे हैं नेशनल मीडिया के सामने आकर के वो आप पढ़ के सुना रहे हैं, तो जो आपका काम है वो आप नहीं कर रहे हैं। तो लोकतंत्र के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, और दुर्भाग्य की बात यह है सरमित्रा जी कि तमाम संवैधानिक संस्थाएँ जो हैं वो एक तरीके से पंगु हो गई हैं। हालांकि अब कुछ संवैधानिक संस्थाओं ने थोड़ी हिम्मत दिखाना शुरू की है, और हो सकता है धीरे धीरे वो सब बाहर निकल कर आएँ, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं अभी भी ये खतरा बना हुआ है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर खतरे हैं, क्या लोकतंत्र पे खतरे हैं। और जो ये वीडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश का सागर जिले का सुमित्रा जी, ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि गड़बड़ तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जगह जगह हुई है। अब वो कहाँ कहाँ हुई है और कितनी हुई है इस पर एक बहस हो सकती है और इसकी जाँच हो सकती है, मगर सवाल ये है कि जाँच करेगा कौन? जी बिल्कुल, जांच करेगा कौन, क्योंकि जिस पर आरोप लग रहे हैं वही जो है मतलब जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनका साथ देने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं, खुलेआम ना सही लेकिन दबे छिपे तरीके से तो ऐसा लग ही रहा है। क्योंकि इतनी जो गड़बड़ी हो रही है इसके पीछे ऐसा नहीं है कि केवल कार्यकर्ताओं की अपनी हिम्मत रही होगी, कहीं ना कहीं इसमें बड़े नेताओं की सरपरस्ती या उनका मार्गदर्शन जो अगर कह लें, क्योंकि बीजेपी का तो मार्गदर्शक मंडल भी अब बढ़ते जा रहा है, हो सकता है वहीं से कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो। या बहरहाल यहाँ ये जो वीडियो वायरल हुआ इसके बाद जब ये सियासत तेज होने लगी और जब ये मांग उठने लगी कि सागर विधान जो संसदीय क्षेत्र है उसको मतलब उसका निर्वाचन जो है वो रद्द किया जाए, अब इस पर संजय अत्तू भंडारी ने ये कहा है कि सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, जहां पर ये वो बोल रहे हैं, पहले खुद वो दावा कर रहे हैं कि 13 बूथों पर तो मैंने कांग्रेस एजेंट बैठने से रोके, अब वो ये बोल रहे हैं कि सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, यहाँ उनको कार्यकर्ता ही नहीं मिलते, लटेरी में 13 बूथ ऐसे थे जिनमें एजेंट नहीं थे, ये बात मैंने कही है, फर्जी वोट डालने के बाद जिस कार्यकर्ता ने कही मुझे नहीं पता, वो साफ साफ वहां पर मुकर रहे हैं। हालांकि वो वहीं आसपास में ही लोग खड़े हैं
उन्हीं में से किसी ने बोला, अगर किसी ने ऐसी बात सुनी होती तो तुरंत पूछते भाई कि तुम ऐसी बात क्यों बोल रहे हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। ये जिस तरीके से अब ये जो सफाई देकर और लिपा पोती करने की कोशिश की जा रही है, उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब फिर अगर मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपने किसी कार्यकर्ता की बलि चढ़ा देगी, जैसा कि अभी तक होता आया है कि उसको किसी छोटे मोटे, यानी शिवाजी वाले मामले में भी हमने देखा, मूर्ति वाले प्रकरण में, कि वो जो सहायक इंजीनियर या जो है आर्किटेक्ट, उसको वो बता दिया गया, उसको निलंबित कर दिया गया। बाकी अभी मेन लोग जो है, जो मुख्य आरोपी है, जिन लोगों ने बड़ी मूर्ति बनाई लेकिन उसका पैसा कहाँ गया और किन लोगों की जेब में गया, वो सारे सवाल अलग है। तो किसी छोटे प्यादे को किनारे कर दिया जाए और मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन अमलिंदु जी, सवाल यह है कि अभी सागर का ये मामला सामने आ गया, फरुखाबाद वाला मामला अभी अदालत में है, सूरत के मामले पर पूरी बात हो गई, दिख गया कि किस तरीके से वहां पर पूरा निर्विरोध बीजेपी का जो चेहरा था वो निर्वाचित हो गया, खजुराहो में जो हमने देखा, इंदौर में जो हमने देखा, अभी न जाने देश में ऐसे कितने और लोकसभा क्षेत्र होंगे। 79 सीटों की बात तो आपने पहले ही बताई है, जो शायद एडीआर की रिपोर्ट है, या एडीआर की रिपोर्ट आई है जिसमें वॉइस फॉर डेमोक्रेसी की, जी वॉइस फॉर डेमोक्रेसी ये संस्था है, उसकी रिपोर्ट थी कि वहां पर ऐसी गड़बड़ियां हुई। अब क्या विपक्ष को ऐसे और भी विधानसभा या संसदीय क्षेत्रों में इस तरह के वो करने चाहिए, खुलासे करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी मामले को और तह तक जाए जहां पर उनको ऐसा लगता है कि यहां पर जीत में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है? क्या विपक्ष अब एकजुट होकर, मतलब एकजुट तो है लेकिन अब और ज्यादा सक्रिय होकर वो इस तरह की पड़ताल कर सकता है जिससे बीजेपी की और करतूतें सामने आए? और अब जो आने वाले चुनाव है, क्या उसमें अभी से सावधान नहीं हो जाना चाहिए इंडिया गठबंधन को? देखिए समित्रा जी, इंडिया गठबंधन को सावधान हो जाना चाहिए और पहले भी सावधान रहना चाहिए था, हालांकि सावधान थे भी, वरना ये फिर 400 पार के जो नारे दिए जा रहे थे वो 400 पार हो ही जाती अगर सावधान नहीं होते। 240 पे भी जो टिके हैं तो सावधानी की वजह से ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पोलिंग बूथ्स पे और मतगणना केंद्रों पे प्रतिवाद हुआ है और लोग मजबूती से डटे रहे, उसके बाद भी जितना संभव हो सकता था उस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। सतर्क तो निश्चित तौर पर रहना चाहिए। और समित्रा जी, आपको याद होगा, मुझे ध्यान पड़ रहा है शायद कैम्ब्रिज में गए थे राहुल गांधी और वहाँ उनसे ईवीएम को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ईवीएम केवल एक पक्ष है धांधलियों का, जब पूरा संवैधानिक संस्थाएं जो है वो पंगु हो चुकी हैं और जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो एक तरीके से कहा जाए वो करप्ट हो चुका है, तो अकेले ईवीएम को या ईवीएम से जो है वो धांधलियां नहीं रोकी जा सकती, मतलब उनका कहने का तात्पर्य यही था। तो समिता जी, यहाँ केवल ईवीएम का ही मसला नहीं है, यहाँ अगर 15-15 वोट एक व्यक्ति डाल रहा है तो ये ईवीएम का तो मसला नहीं है, ये तो प्रशासनिक मशीनरी और चुनाव आयोग का मसला है। यहाँ पे आके तो सिर्फ ईवीएम से काम बनने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ प्रशासनिक मशीनरी और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी सवाल हैं, और इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पे इस पे सतर्क होना होगा और आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें और मजबूती के साथ सतर्क रहना पड़ेगा। इत्तेफाक की बात यह है समित्रा जी कि जिन दो राज्यों में अभी चुनाव हैं नज़दीक में, खासतौर से अभी जो हरियाणा में है विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र में आएगा, या जम्मू कश्मीर जो यहाँ केंद्र शासित राज्य है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ही का है, केंद्र शासित राज्य है। आप देखिए कि वहाँ के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर आके अमित शाह से मिलते हैं और तभी उसी समय जो है वो सूची वापस हो जाती है जो जारी की जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो यानी कि उस मीटिंग के बाद सूची जारी हुई, तो इसका मतलब वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो भी आरोपी लग रहा है विपक्षी तरफ से कि वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार समझ ली जाए। तो अगर बीजेपी की सरकार इस तरीके से है और प्रशासन इस तरीके से है और राजीव कुमार सिर्फ शायरी पढ़ने के लिए हैं, चुनाव आयोग का जो काम है वो करने के लिए नहीं है, तो फिर मतदान किस तरीके से निष्पक्ष होगा और जनता की भावना जो है वो जब बंद होगी ईवीएम के बक्सों में तो वो सही निकलेगी नहीं निकलेगी, इसकी क्या गारंटी दी जा सकती है? लेकिन फिर भी चूंकि एक चुनावी प्रक्रिया है और उसमें हिस्सा लेना है और इसी से लड़के जाना है, तो तैयारियां भी ये करनी होंगी कि आपका मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकले और उन गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश कीजिए जो प्रशासन के स्तर पर या जो आरोप लगते रहते हैं कि चुनाव आयोग मिल जाता है उस स्तर पर जो होती हैं, उस स्तर पे आप किस तरह से रोक सकते हैं, इसकी तैयारी विपक्ष को और खासतौर से इंडिया गठबंधन को करनी पड़ेगी। समित्रा जी, जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को अब पहले से और ज्यादा सतर्कता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि चंडीगढ़ चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण, मतलब मेयर चुनाव जो है वो तो एकदम
बहुत बड़ी नजीर है सबके सामने कि किस तरह से बीजेपी ने वहां पर एक छोटा सा ही चुनाव था लेकिन किस तरह से उसको हड़पने की कोशिश की थी और उसमें सफल भी हो गई थी। अगर वो सारी घटना सीसीटीवी में कैद नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान नहीं लेता तो आज चंडीगढ़ में मेयर भी बीजेपी का ही होता। और बीजेपी के बारे में तो ये खासियत ये है कि वो बिल्कुल पंचायत से लेकर राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा सारे चुनाव जो है, मतलब हरियाणा, मतलब हिमाचल प्रदेश में किस तरह अभिषेक मनु सिंघवी की जीती हुई, जो मतलब माना जा रहा था कि वो जीत ही जाएंगे, किस तरह से क्रॉस वोटिंग हो गई। राज्यसभा के चुनाव इसी तरह से जिस बीजेपी ने जीते हिमाचल में बिल्कुल दल बदल करा लिया, बागी करा दिया लोगों को। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव के पहले बहुत बड़े पैमाने पर दल बदल करवाना या तोड़ फोड़ करवाना ये बीजेपी करती रही है, बहुत सारे जगहों पर इसी तरह की धांधली बीजेपी ने की है। अब जो आगे चुनाव होने हैं इसमें अगर इंडिया गठबंधन और ज्यादा संभल कर नहीं रहा, हालांकि अभी तक इतना संभला था इसीलिए बीजेपी को उसने बहुमत में आने से तो रोक दिया, लेकिन बीजेपी की इन गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए इंडिया गठबंधन को तो सतर्क रहना ही होगा। अब अमलेंदु जी, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी अगर भारत के लोकतंत्र की रक्षा करनी है, अगर वो ये मानते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, तो उसके लिए मेरा ख्याल है ऐसी सब घटनाओं पर अदालत को खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक इस कार्यक्रम के करते तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई थी कि चुनाव आयोग ने इस घटना का संज्ञान लिया। वो वीडियो वायरल हुआ है, उन तक भी पहुंचा होगा। निर्वाचन आयोग को कायदे से अभी तक इस पर संज्ञान लेकर बाकायदा ये कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी, या कम से कम दो लाइन का वक्तव्य ही दे देते कि ये जानकारी हमारे उसमें आई और हम इस घटना की हम जांच करेंगे। अगर इतना भी चुनाव आयोग की ओर से बोल दिया जाए तो लोगों को ये भरोसा लगेगा कि हाँ आप निष्पक्ष हैं। लेकिन इस समय जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की मूर्ति को गिराने के लिए भी बीजेपी जो है वो लगातार काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि अगर इसकी पोल, जैसे कि बीजेपी नेता खुद ही खोल रहे हैं, उसके बाद मोदी कितने बार माफी मांगेंगे और जनता उनको माफ करती है या नहीं करती है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज आप हमारे साथ जुड़े। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।